हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अबोद आई ए एस माई नेम इज़ गौतम जैन एंड दिस इज अबाउट मी सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड मैप सो पॉइंट नंबर वन इज गल्फ ऑफ बोथनिया गल्फ ऑफ बिस्के ब्लैक सी एंड देन पर्जियन गल्फ सो आज हम ये चार पॉइंट्स डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं हम गल्फ ऑफ बोथनिया से सो द गल्फ ऑफ बोथनिया इज द नदर मोस्ट आर्म ऑफ द बाल्टिक सी इट इज सिटुएटेड बिटवीन फिनलैंड वेस्ट कोस्ट एंड द स्वीडन ईस्ट कोस्ट क्लियर जो बाल्टिक सी है इस नॉर्थ मोस्ट आम है वो क्या है गल्फ ऑफ बोथनिया दैट इज जो फिनलैंड है उसकी वेस्ट कोस्ट और स्वीडन है उसके ईस्ट कोस्ट पर गल्फ ऑफ बोथनिया सिचुएटेड है क्लियर है तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए गल्फ ऑफ बोथनिया से रिलेटेड सो वी कैन से दैट इट इज सिचुएटेड बिटवीन द स्वीडन एंड फिनलैंड क्लियर सेकेंड इज बे ऑफ बिस्के बिस्के इज ए गल्फ ऑफ दी नॉर्थ ईस्ट एटलांटिक ओशन जो एटलांटिक्स है उसका जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पर क्या है बे ऑफ बिस्के फ्रांस और स्पेन के बीच में है क्लियर सो इट लाइज अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस टू दी स्पेनिश बॉर्डर क्लियर सो बे ऑफ बिस्के किसके बीच में है फ्रांस एंड स्पेन के बीच में एंड गल्फ ऑफ बोथनिया इज बिटवीन द स्वीडन एंड फिनलैंड क्लियर अगर हम बे और गल्फ के बारे में देखें सो बे यूजली रेफर टू ए बॉडी ऑफ वाटर समवर्ट स्मॉलर देन ए गल्फ जो बे होता है वो गल्फ से कंपेरेटिवली उससे क्या होता है छोटा होता है और अगर हम गल्फ देखें सो गल्फ इज़ ए लार्ज इनलेट सो दिस इज़ गल्फ गल्फ इज ए लार्ज इनलेट फ्रॉम दी ओशंस इन टू द लैंड मार्स सो दिस इज़ द ओशंस सो फ्राम द ओशंस इन टू द लैंड मार्स टिपिकली विद ए नैरोअर ओपनिंग दैन ए बे जो इसकी ओपनिंग होती है गल्फ की ये बे से नैरो होती है थोड़ी सी इसकी जो ओपनिंग होती है वो बे से संकीर्ण होती है नैरो होती है वर्ल्ड मैप में आप यहां पे देख सकते हैं सो दिस इज दी गल्फ गल्फ ऑफ बोथनिया बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड इसकी जो ओपनिंग है ये जो ओपनिंग है ये कंपेरेटिवली नैरो है अगर हम बे से कंपेयर करें तो इसकी ओपनिंग देखो क्लियर सो दिस इज द की डिफरेंस अगर हम ब्लैक सी देखें सो ब्लैक सी बॉर्डर बाय दी यूक्रेन रोमानिया बुल्गारिया तुर्की जॉर्जिया एंड दी रशिया क्लियर अगर ब्लैक सी हम देखें सो ब्लैक सी किस किस कौन कितनी कंट्री ब्लैक सी को बॉर्डर करती है सिक्स कंट्रीज ब्लैक सी को बॉर्डर करती है इसकी ट्रिक्स हम बना सकते हैं ट्रिक है टी बर्गर टी मीन्स टर्की बी बुल्गारिया आर इज रशिया जी जॉर्जिया एंड आर रोमानिया यू यूक्रेन क्लियर सो इसकी ट्रिक क्या हुई टी बर्गर कौन कौन सी कंट्रीज है रोमानिया बुल्गारिया टर्की जोर्जिया रशिया एंड यूक्रेन क्लियर आप मैप में भी वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हैं ब्लैक सी को सो so, ये देखो दिस इज ब्लैक सी सराउंडेड बाई दि सिक्स कंट्रीज क्लियर अगर हम यहां से देखें सो ब्लैक सी है इसकी ओपनिंग हो रही है कहां पे सी ऑफ मरमरा में क्लियर और जो सी ऑफ मरमरा है फर्दर पे ओपन हो रहा है एगियन सी में जो फिर मेडिटेनियन सी में ओपन होता है और मेडिटेनियन सी यहां से अटलांटिक ऑशियंस में क्लियर अगर हम पर्शियंस गल्फ को देखें सो द लैंड अराउंड द पर्शियंस गल्फ आर शेयर्ड बाय द एट कंट्रीज पर्शियंस गल्फ को कितने कंट्रीज अराउंड करती है टोटल एट कंट्रीज कौन कौन सी है बहरेन ईरान इराक कुवैत ओमन कतर सऊदी अरेबिया एंड यू इसको क्या याद रख सकते हैं हम क्या ट्रिक बनेगी इसको याद रखने की तो आप यूनिक बुक्स ये ट्रिक याद रख लो पर्शियंस गल्फ को पर्शियंस गल्फ की कंट्री को याद रखने के लिए यूनिक बुक्स क्लियर वेर यू इज यू ए आई मीन्स इरा एंड इराक कतर बरेन ओमन कुवेत एंड सऊदी क्लियर सो वन टू थ्री फोर एंड फोर एट सो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई एट कंट्रीज क्लियर दिस ट्रिक इज वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल दी कंट्रीज सराउंडेड बाय दी पर्शियन गल्फ यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हैं पर्शियन गल्फ ईरान बहरेन कतर यू एमन कुवैत, इराक क्लियर सो एंड सऊदी अरेबिया कंट्रीज so, है दैट्स अराउंड दर्शियंस गल्फ नाउ दिस ऑल एट कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ये जो परशियंस गल्फ की जो कंट्री है सारी की सारी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है एंड यू ए बहरेन सऊदी अरेबिया यू ए बहरेन सऊदी अरेबिया ओमन कतर कुवैत आर मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशं काउंसिल अगर हम गल्फ कॉपरेशंस काउंसिल की बात करें तो जो एट मेंबर्स कंट्री है सो कंट्रीज दैट्स अराउंडियंस गल्फ दिस कंट्रीज आर टोटल एट इन नंबर क्लियर। so, अगर हम इन दो कंट्री में से ईरान एंड इराक ईरान एंड इराक को हटा देंगे तो जो बाकी की जो छह कंट्री बचेगी दैट इज मेंबर्स ऑफ गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल क्लियर है ये भी इजी मेथड है याद रखने का हमने ट्रिक बनाई इन एट कंट्रीज को याद रखने के लिए अगर हमें गल्फ कॉपरेशंस काउंसिल मेंबर्स कंट्रीज याद रखनी है तो सिंपल ट्रिक है पर्शियन गल्फ कंट्री की दो कंट्रियां उनको रिमूव कर दो ईरान एंड इराक जो बाकी की जो छह कंट्रीज बचेगी वो कंट्री कौन सी होगी गल्फ कॉपरेशंस काउंसिल की मेंबर्स क्लियर अगर हम पर्शियस गल्फ कंट्रीज की बात करें अगर हम इसमें से तीन कंट्रीज हटा दें जो पर्शियन गल्फ कंट्री है इसमें से तीन कंट्रीज हटा दें कौन कौन सी बहरेन कतर एंड ओमन

गल्फ कॉपरेशन काउंसिल्स की मेंबर है एंड एंडियंस गल्फ के मेंबर कंट्रीज जो ओपेक की मेंबर्स है एक्चुअली में ओपेक की थर्टीन मेंबर कंट्रीज है बट वो कंट्रीज जो पर्शियंस गल्फ की भी मेंबर है और ओपेक की भी मेंबर है वो टोटल कितनी है फाइव मेंबर कंट्रीज जिसमें से हम तीन हटा देंगे बहरेन कतर एंड ओमन क्लियर है इजी है याद रखना सो so, एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं सो गल्फ ऑफ बोथनिया किन दो कंट्रीज के बीच में है गल्फ ऑफ बोथनिया बिटवीन द स्वीडन एंड फिनलैंड क्लियर बे ऑफ बिस्के स्पेन एंड फ्रांस बे और गल्फ में हमने डिफरेंस देखा जो गल्फ होता है वो कंपैरेटिवली बे से क्या होता है बड़ा होता है बट जो ओपनिंग है गल्फ की वो बे से टिवली छोटी होती है क्लियर ब्लैक सी की अगर हम कंट्री देखें तो हमने ट्रिक याद की टी बर्गर टीबर्गर टी इन टर्की रोमानिया क्लियर है सो दीज आर दी सिक्स कंट्रीज रोमानिया बुल्गारिया टर्की जोर्जिया रशिया यूक्रेन पर्शियस गल्फ की कंट्रीज हमने देखी इसकी क्या ट्रिक बनाई थी यूनिक बुक्स वेर यू इज यू आई मीन ईरान इराक क्यू कतर देन बी फोर बहरेन ओ मीन ओमन के कुवैत एंड एस सऊदी अरेबिया सो दीज आर दी एट कंट्रीज दैट्स अराउंड दर्शियंस गल्फ एंड अगर परशियंस गल्फ कंट्रीज में ईरान एंड इराक हटा देंगे तो जो बाकी की जो छह कंट्रीज बचेगी कौन कौन सी यू ए बहरेन सऊदी अरेबिया ओमन कतर कुवैत आर मेंबर ऑफ दी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल अगर हम ईरान एंड इराक को उठा देंगे तो ये बाकी की जो कंट्रीज बचेगी ये जो कंट्रीज हैं ये मेंबर किसकी है गल्फ कॉर्परेशन काउंसिल्स की क्लियर अगर हम जो तीन कंट्रीज है बहरेन कतर एंड ओमन को हटा देंगे कौन कौन सी कंट्री बहरेन कतर एंड ओमन अगर इनको हम हटा देंगे तो बाकी जो फाइव कंट्रीज जो बच गई पर्शियंस गल्फ में वो किसकी मेंबर होगी ओपेक की दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसकी टोटल एक्चुअली में थर्टीन मेंबर कंट्रीज है क्लियर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग So, इस वीडियो में हमने चार पॉइंट्स कवर किए इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर कैस्पियन सी मेडिटेनियन सी रेड सी गल्फ ऑफ ओमन एंड गल्फ ऑफ एडन क्लियर सो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे सो स्टे ट्यून विद द अबोद विदोद इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज डू कमेंट फॉर मोर अपडेट्स